हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग इस कोविड के टाइम पे सुरक्षित होंगे एकदम फैमिली के साथ। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है USCMA और ACCA के बीच में क्या एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में ना। कई स्टूडेंट हैं, उनके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि USCMA और ACCA में से क्या करना चाहिए और सर इसमें डिफरेंस क्या होता है, वो अपन देखते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल आराम से देखते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। देखो, USCMA क्या है, पहली बात तो एक बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। ठीक है? सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं कह सकते, जो इंडिया का होता है वो अलग चीज़ है। ACCA क्या है, एक थोड़ा सा मीडियम टर्म कोर्स है। मीडियम टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स बोल लो। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब USCMA से लॉन्ग है कंपैरेटिवली, इसलिए लॉन्ग बोल रहा हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। सर USCMA कितने टाइम में हो जाता है? USCMA अगर आप अच्छे से करते हो तो मैक्स टू मैक्स 1 ईयर लगता है, मैक्सिमम है ना। कई स्टूडेंट ऐसा है जो 6 महीने के अंदर भी करके निकल लेते हैं। एक स्टूडेंट है मेरे पास आई थी, वो सुरभि नाम है उनका। ठीक है? तो वो राजस्थान से ही हमारे US रहती हैं और उन्होंने USCMA एग्जैक्टली अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया था। ठीक है? और मार्च 2021 तक उनका दोनों पार्ट क्लियर हो गया। एक एक पार्ट करके दिया था, जनवरी में एक पार्ट दिया था और फिर फरवरी या मार्च में, फरवरी में शायद दूसरा पार्ट दिया था। मार्च तक, अप्रैल तक रिजल्ट आया और पूरा का पूरा CMA हो गया। तो आसानी से CMA जल्दी से हो जाता है। ठीक है ना? अगर अपन उसको फोकस्ड रह के करें तो। और ACCA लेता है 2 साल अप्रोक्स लेता है, फिर भी डिपेंड करता है कि आपको एग्जम्पशन कितनी मिली है। USCMA में देखो दो पेपर्स होते हैं। ठीक है ना? इसे पार्ट 1 कहते हैं। मैं वीडियो कितना लंबा हो रहा है उसकी फिक्र नहीं कर रहा। ठीक है ना? डिटेल में बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि लेंथ कितनी है वीडियो की, हो सकता है लेंदी हो जाए थोड़ा सा। पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या होता है, देखो 6 सेक्शंस होते हैं USCMA के अंदर, और पार्ट 2 में भी 6 सेक्शंस होते हैं। ये लेटेस्ट कोर्स की बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स है उसके हिसाब से। इसमें एक सेक्शन हो गया अकाउंट्स के ऊपर, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई अकाउंट्स के अंदर, डेफर टैक्स निकालना, फाइनेंशियल असेट्स क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह, ये सब चीज़ें आ गया। ठीक है? फिर सेकेंड चैप्टर जो होता है वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत, सेकेंड सेक्शन बोल लो या चैप्टर बोल लो, बजट से रिलेटेड होता है। थर्ड में वेरिएंस एनालिसिस आ जाता है, मेनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। फोर्थ चैप्टर जो होता है मेनली प्रोसेस कॉस्टिंग पे होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें अगर आपको पता हो तो, आइडिया हो तो थोड़ा सा। और 5वां चैप्टर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, छोटा छोटा लिख रहा हूँ जानबूझ के। तो 5th चैप्टर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और थोड़ा बहुत ऑडिट, थोड़ा सा ऑडिट पार्ट है ना। और 6th चैप्टर होता है जो लेटेस्ट चैप्टर जुड़ा है, टेक्नोलॉजी का। इसमें आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर लेटेस्ट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सब इसके अंदर आता है। RPA क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सब टॉपिक्स रहते हैं। सेकेंड पार्ट में जो सेक्शंस होते हैं वो होता है मेनली सेक्शन, जो सेकेंड पार्ट है ना वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बेस है। सेकेंड पार्ट मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बेस है, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग आता है। तो सेकेंड पार्ट में आ गया, जैसे पहला चैप्टर हो गया रेशोज़ का, मेनली रेशोज़ और छोटे से मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं उसके बाद। सेकेंड जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस आता है, डेरिवेटिव्स भी आता है थोड़ा सा, जैसे पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आती है। फिर एक और इसी के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक भी इसी के अंदर आ गया। ठीक है ना? लीवरेज ऊपर आ जाता है, लीवरेज जो है रेशोज़ के साथ लीवरेज कवर हो जाता है यहीं पे। ठीक है? तो ऐसे करके, और फॉरेन एक्सचेंज भी आ जाता है थोड़ा बहुत, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में आ गया कि डायरेक्ट कोट क्या होती है, इनडायरेक्ट कोट क्या होती है, अगर आपने सुना हो तो, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर है। हेजिंग, हेजिंग डेरिवेटिव्स का पार्ट ही हो जाता है। तो 2 सेक्शंस हो गए। थर्ड सेक्शन बेसिकली कॉस्टिंग पे बेस है अगेन, थोड़ा सा
ठीक है, कॉस्टिंग एफएम मिक्स करके कर रखा है। और फिर कुछ क्या है इसमें, मेनली एक और टॉपिक आ जाता है कैपिटल बजटिंग, बहुत ही बढ़िया अच्छे से जो टॉपिक आता है कैपिटल बजटिंग आता है, और लास्ट में आता है एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है ना। और एक और बीच में डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट, क्लियर क्या। तो ऐसे करके जो चैप्टर्स बने हुए हैं, क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में है क्या चैप्टर्स? नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं कवर होता हर टॉपिक। तो टू पेपर्स होते हैं, 500 मार्क्स का ये पेपर होता है, 500 मार्क्स का ये पेपर होता है, दोनों 500 500 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ACCA में बात करें तो टोटल 13 पेपर्स होते हैं, ACCA में टोटल कितने पेपर होते हैं? 13। जैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको क्या क्या होता है। जैसे पहला पेपर हो गया वही बिजनेस स्टडीज़ की तरह, जैसे 12th में आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते थे, तो वैसा दूसरा पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग, ठीक है ना। थर्ड पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ पेपर हो गया लॉ, फिफ्थ पेपर हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो सॉरी, ये ना सेकंड पेपर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसे ऐसे नाम देते हैं, देखो F1, F2, F3, इन्हें बोलते हैं नॉलेज लेवल पेपर्स, नॉलेज लेवल्स पेपर, ठीक है। ये F4 हो गया, F5 हो गया, फिर टैक्स आ गया F6, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो बेसिकली IFRS का अकाउंट्स पेपर होता है वो, फिर ऑडिट, ऑडिट एंड अश्योरेंस, ठीक है, F8, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9, और इसके अलावा होते हैं टोटल 13 पेपर्स बोले ना, तो 9 पेपर तो ये हो गए, और 4 होते हैं प्रोफेशनल पेपर्स, ठीक है ना। स्टार्टिंग के जो 3 पेपर्स होते हैं उन्हें नॉलेज लेवल बोलते हैं, बाकी के ये जो पेपर्स हैं ये वाले, इनको बोलते हैं स्किल लेवल, ठीक है ना। और लास्ट के जो 4 पेपर होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोफेशनल लेवल, ठीक है ना। उसमें आ गया स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप SBL, ठीक है ना। फिर बाकी 4 पेपर और होते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन लेने होते हैं। नॉर्मली लोग एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करके ऑप्शन ले लेते हैं। ये 4 पेपर जो होते हैं, ठीक है, जैसे SBR हो गया, तो ये F7 और F3 आपस में लिंक होता है, ये तीनों पेपर लिंक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ठीक है। ऐसे ही ये जो AFM है, ये FM से लिंक होता है यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ठीक है। ये F2 पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F5 पेपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये तीनों पेपर आपस में लिंक होते हैं, बेसिकली कॉस्टिंग के पेपर होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हर पेपर इसमें 100 मार्क्स का होता है, हर पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। तो मैंने थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज, क्या सर इसमें कोई इंडिविजुअल पेपर दे सकते हैं? इंडिविजुअल पेपर्स हाँ अलाउड है, जैसे कोई Part 1 पहले दे सकता है, Part 2 बाद में दे सकता है, दो पार्ट है ना CMA के अंदर, तो कैसे भी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, Part 1 पहले दे दिया, Part 2 पहले दे दिया, ठीक है ना, कैसे भी करके दे सकते हो। ऐसे ही ACCA में भी एक एक पेपर करके दिया जा सकता है, 13 पेपर से नहीं है, तो पहले F1 दे दिया, F2 दे दिया, F3 दे दिया, तो ऐसे करके अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल पेपर्स मतलब दोनों में अलाउड है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो USCMA है उसमें एक पेपर 500 मार्क्स का होता है, ACCA में एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। पासिंग जो मार्क्स USCMA में चाहिए होते हैं, USCMA में वो 72% चाहिए होता है, ठीक है। ACCA में पासिंग मार्क्स 50% चाहिए होता है, मतलब 360 मार्क्स चाहिए USCMA में पास होने में,
ठीक है ना, ACCA में 50 मार्क्स चाहिए पास होने में पर पेपर, ठीक है। बट ऐसे अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो आप सिंपल ये बोलो 72% और 50%, परसेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। सर ये 500 मार्क्स का कुछ ब्रेकअप क्या होता है? देखो इसका ब्रेकअप ये होता है कि 75% पेपर MCQ होता है USCMA में, और 25% पेपर USCMA में क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, जिसे ऐसे टाइप पेपर ऐसे बोलते हैं, ऐसे कुछ वैसे नहीं होता, ऐसे कोई मतलब ये नहीं कि अपन बचपन में कोई ऐसे लिख रहे हैं रियल में रेलवे स्टेशन गए वहाँ पे ऐसे बताओ क्या हुआ, ये सब वो नहीं, ठीक है। ऐसे मतलब के दो बड़े क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, दो बड़े क्वेश्चन पूछेंगे, और हर एक क्वेश्चन के अंदर 6 to 7 उसके सब टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो 75% पेपर MCQ हो गया और 25% पेपर सब्जेक्टिव हो गया, सिंपल सी बात ये है। ACCA में क्या है, हर पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है, एवरी पेपर पैटर्न डिफरेंट मींस MCQ तो आते हैं, लेकिन कुछ पेपर्स में MCQ आते हैं परसेंटेज पार्शली, ठीक है ना। मेनली क्या आता है, फुल्ली कभी भी किसी पेपर में MCQ नहीं आता, पार्शली MCQ आता है, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा थोड़ा थोड़ा MCQ, जैसे 60% पेपर में MCQ आया, किसी पेपर में 60% आया, क्योंकि 9 पेपर्स स्टार्टिंग के हैं, 4 पेपर बाद के हैं, ये 4 पेपर प्रोफेशनल है, इनमें तो कोई भी MCQ नहीं है, ये तो पूरे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ठीक है। और ये जो 13 पेपर हैं स्टार्टिंग के, इनमें कुछ पार्शली MCQ आ गया, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, F9 पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें 30% पेपर क्या है कि ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब MCQ टाइप आ जाता है, MCQ में फिल इन द ब्लैंक्स भी मान लो आप, ये सब चीज़ें कवर हो जाती है, सभी आ गया उसमें, छोटे छोटे जितने भी ट्रू फॉल्स भी उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो हर पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है, बट ये 4 पेपर जो लास्ट के हैं, ये तो पूरे के पूरे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, इसमें कोई भी MCQ वगैरह का चांस नहीं होता, ठीक है। तो होप कि आपको बातें समझ में आ रही हो, नहीं आ रही तो कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगा, आंसर दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसमें ACCA में होता है। सर एग्ज़ाम्स कितनी बार होते हैं? देखो USCMA के अंदर 3 विंडोज़ होती है, उनको बोलते हैं 3 विंडोज़। जैसे पहली विंडो होती है साल के अंदर जैन फेब में, हर ईयर में, फिर मई जून में, और फिर सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो इन मंथ में कभी भी स्टूडेंट अपनी चॉइस पे डेट सेलेक्ट कर सकता है, चॉइस पे डेट सेलेक्ट करी जा सकती है। जैसे जैन फेब में एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना, तो आप मान लो 5 जैन को देना है, 7 जनवरी को देना है, या फेब्रवरी में देना है, 8 फेब्रवरी को देना है, 10 फेब्रवरी को देना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो जो भी डेट सेलेक्ट करनी है मई जून में सितंबर अक्टूबर में, वो अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो, ठीक है। बट वो क्या होता है, थोड़ा बहुत कभी कभार जैसे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती है पर्टिकुलर डे की। अब जैसे 5 जनवरी को मान लो 100 सीट IMA ने फिक्स कर रखी है कि एक पर्टिकुलर सिटी मान लो दिल्ली है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल, टेक्निकली करेक्ट नहीं होगा, तो 100 सीट्स मान लो फिक्स है दिल्ली के अंदर, तो 100 बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मान लो पहले ही बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म 5 जनवरी का फिल कर दिया, 5 जनवरी की डेट ले ली, अब 100 बच्चे हो गए, तो फिर आपको 5 जनवरी की सीट नहीं मिलेगी, है ना। फिर आप 7th की ले लो, 8th की ले लो, 10th की ले लो, या कैसे भी करके जो आपको मिल जाए, 6 जनवरी भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे रेलवे में होता है ना कि रिजर्वेशन से सीटें फिल होती जाती है ना, रिजर्वेशन करवा लो और लोग कराते रहते हैं और सीट्स फिल होती रहती है, बट ट्रेन तो नॉर्मली डेली चलती है, तो वैसे ही वाली बात है ना। तो सर ACCA के एग्ज़ाम्स कब होते हैं? ACCA के देखो क्वार्टरली होते हैं एग्ज़ाम्स, साल में टोटल 4 बार होते हैं। जैसे मार्च होता है पहला, फिर जून अटैम्प होता है, फिर सेप्टेम्बर होता है, और फिर दिसंबर होता है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में दे दिया, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे 3-3 महीने करके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपकी मर्ज़ी, आप कभी भी उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। बट ये इसमें क्या है, डेट फिक्स रहती है। डेट क्या है, ACCA खुद फिक्स करता है। क्लियर क्या सर? इसके सेंटर्स कहाँ आते हैं? सेंटर देखो, दोनों एग्ज़ाम्स के इंडिया अवेलेबल हैं, मतलब इंडिया में इसके सेंटर्स आते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आप USCMA की बात करो, तो मेनली 8 सिटीज़ हैं शायद, एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, बट 8 सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। तो वो आपको IMA की वेबसाइट पर मिल जाएगी कि कौन कौन सी सिटीज़ में सेंटर आता है। जैसे मुंबई वगैरह में तो आता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट हर स्टेट में सेंटर नहीं आता, हर स्टेट में सेंटर नहीं आता, ये थोड़ा सा इशू रहता है। तो फिर आपको बड़ी सिटी जैसे मेट्रो सिटी है, वहाँ पे तो आता ही है। अब मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इधर तो जाके दे ही सकते हो, ठीक है। इंडिया के बाहर हर जगह पे आता है, जैसे सऊदी में आता है, और भी दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री है, लाइक कुवैत है, कुवैत में आता है, ठीक है। तो सब जगहों पे आता है, UAE में आता है। ACCA के एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम सेंटर्स इंडिया में थोड़े से ज़्यादा हैं, मोर एग्ज़ाम सेंटर्स, लाइक हर सिटी में आता है। अब जैसे हम लोग जयपुर में हैं, तो जयपुर में भी ACCA का सेंटर आता है। फिर ACCA ने एक एडिशनल फैसिलिटी दे रखी है कोविड के टाइम पे, कि रिमोट बेस एग्ज़ाम अलाउ कर रखा है। रिमोट बेस एग्ज़ाम मतलब क्या होता है, कि एग्ज़ाम आप घर बैठ के दे सकते हो, ठीक है ना। आप आराम से घर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो, बट उसमें कभी कभार थोड़ा सा टेक्निकल इशू आता है, बट ACCA उसको रिजॉल्व कर देता है, ठीक है ना। कभी कभार जैसे स्टूडेंट का पेपर, जब स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा होता है तो पेपर वगैरह चालू नहीं होता, बट वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। तो रिमोट बेस्ड एग्ज़ाम में थोड़ा सा इशू रहता है, इंटरनेट का इशू आ गया, मान लो घर पे दे रहे हो आप इसमें एग्ज़ाम अपने, है ना। वो कोविड की वजह से किया है ओनली, ठीक है। तो समझ में आया, ACCA एग्ज़ाम साल में 4 बार होते हैं नॉर्मली, बट ये जो स्टार्टिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये नॉलेज लेवल पेपर 1 टू F1, F2, F3, जो भी मैंने बताया आपको, ये जो पेपर्स हैं ना, इनके ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स होते हैं। मीन्स कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टार्टिंग के जो 3 पेपर्स होते हैं, इनके ऑन डिमांड एग्ज़ाम होते हैं। क्लियर क्या? मीन्स कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो, सेंटर पे जाओ, साल में किसी भी दिन एग्ज़ाम देना है दे लो, ठीक है। बट बाद में जो पेपर्स होते हैं उनमें तो ये मंथ फिक्स होते हैं। तो मैंने आपको बाद वाले पेपर्स के हिसाब से बताया, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। फिर 9th सर, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। आप, मेरी स्पेलिंग बहुत सही नहीं होती है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है USCMA की, अब देखो कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन है ना, USCMA क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है और पेपर भी कम है। कितने पेपर हैं? केवल 2 पेपर्स हैं। हालांकि 2 पेपर में सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, बट इतना डेप्थ में नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता USCMA को कंप्लीट करने में, अगर अपन देखें तो। ACCA आपको दिख गया होगा 13 पेपर्स हैं, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेगा, समय लेगा, मतलब पूरा का पूरा करने के अंदर। एक एक पेपर भी करोगे, 3-3 महीने में एक पेपर दोगे, 13 पेपर है, ठीक है ना, मान लो, तो एक साल में आप 4 पेपर दोगे, तो वो 3 साल में लगभग लगभग 13 पेपर कंप्लीट होंगे, अगर मानूं कि आप एक एक पेपर एक बार में दे रहे हो तो, ठीक है ना। ज़्यादा भी दे सकते हो एक से, बट नॉर्मली स्टूडेंट एक पेपर एक बार में देते हैं। USCMA का क्या है कि, क्योंकि देखो छोटा कोर्स है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, डेप्थ में इतना डेप्थ में नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। एक सैलरी पैकेज बोलना नहीं चाहता मैं, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि 4 से 6 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 लाख से 6 लाख का फ्रेशर के लिए इंडिया में ये पैकेज एक्सपेक्ट करा जा सकता है। किसी का ऊपर भी आता है, किसी का नीचे भी आता है, एवरेज लेकिन ये है, ठीक है ना, जनरल। अब मान लो किसी का 3.5 लाख हो गया, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट एक्सेप्शंस को अपन जनरलाइज नहीं कर सकते ना। तो अपन तो जनरल बात कर रहे हैं, जनरल इतना रहता है, कभी कभार 6 से ज़्यादा भी रहता है, ठीक है। मैंने देखा है 6 से ज़्यादा भी लोगों का गया है, और 4 से कम भी गया है, ठीक है ना, बट एवरेज इतना जाता है।
ये फ्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस का सर कितना जाता है? डिपेंडिंग ऑन भैया आपकी एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, फिर किस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करेगा। मान लो आपका एक्सपीरियंस अगर अकाउंट्स में है तो फिर तो ठीक है कि आप सेम लाइन में जा रहे हो। ठीक है सर, इससे क्या बन सकते हैं? देखो इसमें ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट होते हैं, दो सब्जेक्ट को छोड़ के डिटेल में, क्या ऑडिट बहुत कम होता है, ऑडिट का पार्ट कम होता है, और दूसरा टैक्स का पार्ट का, टैक्स तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, USCIMA में टैक्स बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है ना, तो इन दो फील्ड के अलावा फाइनेंस की सारी फील्ड में आप ओपन हो जा सकते हो। जैसे कौन सी, आप अकाउंटिंग में चले गए, FP&A, ठीक है, मेनली ट्रेजरी में बहुत जाते हैं लोग इसमें। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? कैश मैनेजमेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होता है, हेजिंग का काम होता है, ठीक है, कंपनी के अंदर कि हेज कराना है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल पेबल वगैरह वो तो नॉर्मल है ही, उसमें इन्वेंटरी वगैरह में आप जा ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये सारे काम रहते हैं USCIMA के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बात करें तो। और ये मैंने आपको बताया पैकेज इतना रहता है, ये इंडिया के हिसाब से बताया, डिपेंड फिर दूसरी कंट्री के हिसाब से अलग पैकेज हो जाएगा, कंट्री वाइज डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि अब्रॉड के अंदर एक ही पैकेज रहता है, भैया अब्रॉड तो बहुत सारा, अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब जैसे मान लो एक अपना अफ्रीका हो गया तो अफ्रीका के अंदर अलग हो गया, यूरोप के अंदर अलग हो गया, नॉर्थ अमेरिका के अंदर अलग हो गया, ठीक है, एशिया भी, चलो एशिया के अंदर भी मिडल ईस्ट वाला पार्ट है उसमें अलग है, तो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो पैकेज जनरलाइज नहीं कर सकते कि अब्रॉड में इतना ही सैलरी होता है, डिपेंड हर कंट्री की परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन रेट वगैरह सब अलग अलग होता है, तो वहाँ पे पैकेज भी अलग होता है। ACCA क्योंकि लैंडी कोर्स है तो इसमें एवरेज सैलरी नॉर्मली जाती है, ऐसा देखा गया है कि लैंडी में, बार बार ध्यान रखना USCIMA के कंपेरिजन में बोल रहा हूँ बस इतना सा, तो एवरेज सैलरी मान लो आप 7 to 9 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कई बार 6 भी जाती है, कई बार 9 से ऊपर भी जाती है, बट एवरेज ये रहता है फ्रेशर का बात करें तो, इंडिया में बता रहा हूँ मैं, पर एनम पैकेज है ये। ठीक है, और फील्ड सारी ओपन हो जाती है, जैसे ऑडिट की फील्ड ये सब तो रहेगी, ऑडिट की फील्ड भी ओपन हो जाएगी, टैक्सेशन की फील्ड भी ओपन हो जाएगी, क्योंकि ऑडिट और टैक्सेशन वाला पार्ट भी इसमें अच्छे डेप्थ में देखने को मिलता है ACCA के अंदर। ACCA मतलब एक बेसिकली ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है, बहुत सारी कंट्रीज में वैलिड है। ठीक है, अच्छा, और सर और क्या डिफरेंस होता है? और देखो और डिफरेंस भी होते हैं, जैसे मान लो आप USCIMA और ACCA की बात करो तो कॉस्ट को लेके, कि सर कॉस्ट कितनी आती है, कॉस्ट थोड़ा सा आइडिया दो। अब आपको पता है अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, USCIMA में कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मेनली दो कैटेगरीज होती है, एक तो स्टूडेंट कैटेगरी और एक प्रोफेशनल कैटेगरी। तो स्टूडेंट कैटेगरी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं किसी कॉलेज से, है ना, तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट कैटेगरी। और प्रोफेशनल कैटेगरी मतलब जो अभी मान लो जॉब कर रहे हैं उनको सिंपली बोल दिया, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका हो चुका है उनको बोल दिया प्रोफेशनल कैटेगरी। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहा। तो USCIMA की जो IMA चार्ज करता है, IMA USCIMA की बॉडी होता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे CA इंडिया के अंदर ICAI बॉडी होता है, पाकिस्तान के अंदर ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट USCIMA कंडक्ट कराता है। तो उसकी कॉस्ट आती है $1,325 में। ठीक है, डॉलर की रेट आज के इंडियन रुपी के हिसाब से 96 या 97,000 के बीच में घूमती है इंडियन रुपी के हिसाब से। ठीक है, INR के अंदर ये एक मोटा मोटा आइडिया है, बहुत अपन एकदम एक्यूरेट चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे कि सर मल्टीप्लाई करके बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बताओ, वो सब अपन मैच्योर हो रहे हैं तो अपन देख सकते हैं। ठीक है ना, ये विदाउट क्लासेस है, तो क्लासेस मान लो अगर आप कहीं कोई स्टूडेंट क्लासेस लेता है तो 35 से 40 हज़ार तक क्लासेस मिल जाती है, तो आप ये खर्चा और जोड़ दो तो मतलब 1,35,000 के आसपास आप कॉस्ट मान सकते हो USCIMA की टोटल, विद क्लासेस विद स्टडी मटेरियल सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, अब कोई क्या चार्ज कर रहा है, कोई क्या चार्ज कर रहा है, उसमें मैं नहीं जा रहा। ACCA क्या है? ACCA आपका देखो टोटल 13 पेपर्स हैं, टोटल 13 पेपर्स हैं।
अब जो 13 पेपर्स है ना, उसमें सबसे पहले तो आप देखो रजिस्ट्रेशन कराते हो, एनुअल मेंबरशिप फीस पर पे करते हो, और हर पेपर की एग्ज़ाम फीस लगती है। तो मैं आपको तीनों का एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, हाँ इतना खर्चा हो जाता है तीनों मिला के, 1.5 लाख के आसपास मान के चलो अप्रोक्स, ठीक है। 10-12 हज़ार क्या होता है कि पर पेपर एग्ज़ाम फीस लगती है, 10 से 12 हज़ार, डिपेंड करता है वही पेपर टू पेपर, है ना। तो 13 पेपर हो गए, बाकी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लग गई 10-11 हज़ार रुपये, कुछ मेंबरशिप फीस लग गई। मेंबरशिप फीस हर साल जाती है, ये $1,325 के अंदर भी क्या होता है, इसका ब्रेकअप अगर अपन बात करें तो इसका तीन ब्रेकअप होता है। एक तो रजिस्ट्रेशन फीस, जिसको एंट्रेंस फीस भी बोलते हैं, दूसरा मेंबरशिप फीस, और तीसरा एग्ज़ाम फीस, ठीक है ना। एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, रजिस्ट्रेशन और एंट्रेंस फीस $250 होती है अप्रोक्स, मेंबरशिप फीस $250 होती है अप्रोक्स, और एग्ज़ाम फीस एक पार्ट की $415 होती है, 415 होती है, हाँ। तो ये मिला के अप्रोक्स $1,325 बैठ जाता है, जैसे 250-250 500 हो गया, 500, 415 और 415, हाँ, 1,325 1,330 है ना, इतना बैठ जाता है अप्रोक्स। $4-5 कम होगा कहीं ना कहीं, 245 होता है कहीं पे, एक जगह पे, ठीक है। मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दिया। ये मेंबरशिप फीस हर साल पे करनी होती है, एनुअल होती है, ये हर साल पे करनी होती है। $1,325 भी क्या होता है कई बार, लेकिन IMA जो है ना, बीच बीच में डिस्काउंट निकालता रहता है, कोड्स निकालता रहता है, कूपन कोड्स, प्रोमो कोड्स बोल लो आप, है ना। तो 3-4 महीने के अंदर IMA डिस्काउंट निकालता ही रहता है, तो कभी एंट्रेंस फीस पर निकालता है, कभी मेंबरशिप फीस पर निकालता है, कभी एग्ज़ाम फीस पर निकालता है। तो आप मान के चलो 20,000 का और एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाता है। इसमें एक स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि ना, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये प्रोमो कोड्स केवल उनके लिए वैलिड होता है जो कहीं, मतलब कहीं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से करेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं से भी स्टूडेंट USCMA करे, मतलब आप सेल्फ भी कर रहे हो, तो भी ये प्रोमो कोड का फ़ायदा हर कोई ले सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ही ले सकता है, पर्टिकुलर क्लासेस के थ्रू ही ले सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर किसी के लिए ओपन होता है ये, बस क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे प्रोमो कोड निकले हुए हैं, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम फीस और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लो, और तो आपको 20,000 के आसपास का मिनिमम फ़ायदा हो ही जाता है। तो आपकी 1,35 की जगह कॉस्ट 1,15 या 1,20 हो जाएगी, ठीक है, 1,15 बोल लेता हूँ, मतलब यहाँ पे ऊपर 20,000 कम हो जाएंगे आपके। ACCA रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम मेंबरशिप फ़ीस ये सब हो गया, ठीक है ना। ACCA की सारी फ़ीस पाउंड में होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉलर में होती है, तो ये लेकिन इंडियन रुपी में बताया मैंने आपको कन्वर्ट करके अप्रोक्स फीस। फिर उसके बाद आप जो क्लासेस फीस है वो जोड़ लो, क्लासेस फीस डिपेंड करता है भाई आप कौन सी क्लास लेते हो, कितने रुपए पर पेपर होता है। नॉर्मली 7-8 हज़ार में एक पेपर मिल जाता है, स्टार्टिंग के सारे 9 पेपर तक, ठीक है ना। फिर जो लास्ट के 4 पेपर है उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 12,000 के आसपास एक पेपर की मान लो आप। तो अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया दूँ आपको, तो आपका बैठेगा 8,000 × 9 + 12 × 4 = 48, मतलब 1,20,000। मीन्स आप ACCA के अंदर टोटल खर्चा जो मान सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर कॉस्ट कितनी आती है, क्लासेस के बिना क्लासेस के साथ अप्रोक्स, क्लासेस मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह सब आ गया, ठीक है ना, ये इतना खर्चा आपका बैठता है भाई। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं वो बता दें, वरना फिर बाद में फिर क्या है, स्टूडेंट फिर वो इधर उधर पूछते रहते हैं तो दिक्कत करती है ना, ठीक है ना, चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो ज़्यादा बढ़िया है कि इधर एक बार में डिस्कशन हो जाए, ठीक है। एक और इशू आता है ACCA में एग्जम्पशंस का। अच्छा देखो, USCMA में कोई एग्जम्पशन मिलेगी क्या किसी को? नहीं, क्योंकि केवल कितने पेपर्स होते हैं? 2। ACCA में सर एग्जम्पशन मिलती है क्या? हाँ मिलती है, ठीक है। ये आप कैसे चेक कर सकते हो? एक ACCA की वेबसाइट है, ACCAGlobal.com। अब जैसे कोई CA है, मान लो किसी का CA पूरा कंप्लीट है, तो उसके 13 में से 9 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। कितने पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं? 9। अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट है पूरा का पूरा, तो 13 में से
चार पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, नौ पेपर उसको देने होते हैं। बट आपको जो एग्जैक्टली पता लगेगा कि सर कितने पेपर एग्जेम्प्ट हैं, वो आपको ACCA global.com पे एक एग्जम्पशन कैलकुलेटर होता है ACCA का, उसमें आपको डाल के देखना पड़ेगा कि ये कितने पेपर आपके एग्जेम्प्ट हो सकते हैं वहाँ पे, ना आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, कॉलेज क्या है, आपका इंस्टीट्यूट क्या है, तो वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। बट USCIM में तो क्या है, दो ही पेपर्स हैं तो एग्जम्पशन का इशू आता ही नहीं है। सर जॉब के साथ कौन सा बेटर रहता है, आप कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर कि जॉब के साथ कौन सा बेटर रहता है। देखो जॉब के साथ USCIM आसानी से हो जाता है, मतलब टाइम नहीं लगता, क्योंकि क्या है कि इसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए, मतलब 2-3 घंटे अगर अपन डेली पढ़ेंगे और 7 to 8 month पूरा का पूरा CMA, या ज़्यादा से एक साल, मैंने कई बार बोला है एक साल के अंदर 2-3 घंटे डेली पढ़ के, और वीकेंड्स जो आया अपना, वीकेंड जो आया उसमें अपन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पढ़ लेंगे, है ना, जैसे सैटरडे संडे है या फ्राइडे सैटरडे है, जो भी आपका हॉलीडे होता है उसके हिसाब से अगर अपन ज़्यादा पढ़े तो आसानी से निकल जाता है। ACCA में क्या है कि 13 पेपर है, लेंदी पड़ता है, तो जॉब के साथ थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर ये होना चाहिए कि भाई आपको जॉब में प्रॉपर टाइम मिलता है क्या, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो USCIM कंप्लीट कर लिया, अब वो ACCA करना चाहते हैं, तो बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है, करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आपकी प्रोफाइल इंक्रीज़ होगी, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपको प्रोफाइल इंक्रीज़ होगी, आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप कितना सारा अपडेट हो जाओगे चीज़ों को लेके, तो करना चाहिए, क्लियर। क्या तो मैंने आपको देखो जो लगभग लगभग मेरे हिसाब से जो पॉइंट्स थे, मेरे को लगता नहीं है कि हो सकता है कुछ छूट गया हो, फिर भी कह नहीं सकता, बट ज़्यादातर पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगा, है ना। अगर फिर भी कुछ और भी पूछना है तो ये मेरा नंबर है इस पे, सॉरी 9636621207, ठीक है, मेरा नाम रोहित सिंगल है, ठीक है, तो इधर आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।